शुक्रिया सारा किरारपुरा नंबर वन, यहाँ आने का मौका मिला ये कैंटीन डे के अवसर पर आदरणीय मुख्य अध्यापिका खान रईसा मैडम के निमंत्रण पर। खान रईसा मैडम के नेतृत्व में और उनके टीचर्स ने इतना अच्छा ये आयोजन किया है कैंटीन डे के ऊपर, और मैंने सारा घूम के देखा, बच्चों ने बहुत बेहतरीन ऐसी फेवरेट और न्यूट्रिशियस और टेस्टी डिशेस बनाई हैं, और इससे बच्चों को ना बल्कि आनंद मिलता है और एक उनका दृष्टिकोण भी चेंज होता है कि आने वाले समय में वो ये जो ज्ञान है पाक कला का ये सीखेंगे, उसको कैसा प्रेजेंट करना है, कैसा दूसरों तक बेचना है, ये सारी की वो सीखेंगे तो उनको आने वाले समय में इसका बहुत बहुत लाभ होगा और उनका करियर के लिए भी एक अच्छा अनुभव उनको मिलेगा। तो मैं रईसा मैडम को और उनके सारे टीचर वृंद को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सारे बच्चों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने, मैंने देखा कि तैयारी इतनी दिल से की है कि उनको बहुत ही काबिले तारीफ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुदर्शन पोटभरे, अन्नामृत फाउंडेशन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे स्कूल में हमने कैंटीन डे का आयोजन किया है, जो हमारे जो है तो सिलेबस का एक बच्चों के लिए हिस्सा है कि जिसमें जो है हम बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरह से जो है कारोबार किया जाए, मुनाफा कमाया जाए, और इसके जरिए से जो है तो हम बच्चों के अंदर में जो है डिशेस बनाना और जो है उसी के साथ साथ में हेल्दी फूड बच्चे किस तरह से खाएं और जो है तो अपने घर में हेल्दी फूड का इस्तेमाल करें, इसके अवेयरनेस के लिए हम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है तो इस साल ये कोशिश की है, बच्चे तो हमेशा कैंटीन डे का आयोजन करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन इस साल हमने टीचर्स के लिए भी रखा है कि टीचर्स भी जो है तो अपनी पसंद की डिशेस बनाएंगे, और जो है तो टीचर्स ने अपनी पसंद की डिशेस तैयार की और वो भी स्टॉल्स लगाए हैं, और हमने जो है तो अन्न अमृता जो है तो फाउंडेशन के मेंबर्स जो उनके अधिकारी है उनको आमंत्रित किया है, क्योंकि वो लोग हमेशा हम लोगों के लिए खाने का जो है तो इंतजाम बच्चों के लिए इतने बड़े पैमाने पर करते हैं, तो मेरा ऐसा ख्याल था कि उनको हमको आमंत्रित करना चाहिए और उनको बुलाना चाहिए, तो मैंने बुलाया है उन्हें। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इस तरह के आयोजन से बच्चों के अंदर में एक अपना फील्ड चुनने का भी मौका मिलता है। आज जो है तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, अलग अलग पेशों में बच्चे जाते हैं, तो ये हमारा जो आयोजन है इससे हॉस्पिटलिटी बच्चों को जो है होटल्स का जो है तो मालूमात या फिर अपना पेशा चुनने के लिए भी बच्चे शेफ भी बन सकते हैं, इसके लिए भी मैंने इसका आयोजन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कामयाब रहा। थैंक यू वेरी मच। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।